हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फूड कॉलिंग चैनल पर। मेरा नाम है जय भानुशाली। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ डी आर पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म स्टडी। टुडे आई एम मेकिंग पनीर मखनी। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द इंग्रेडिएंट्स। कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन, कैशो नट्स, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, फ्रेश क्रीम, पनीर, कसूरी मेथी, ग्रीन चिली एंड टोमेटो। पनीर मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू को गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। हमने पहले से ही काजू को गर्म पानी में भिगो के रखे और फिर हम जार में डालेंगे टोमेटो। कम से कम हमें 8 से 10 काजू के पीस ले लें और इसकी अच्छे से प्यूरी बनानी है। अब हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे बटर। अब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। कम से कम 2 से 3 पीस हम इलायची डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लौंग, वो भी 2 से 3 पीस। फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हम इसे अच्छे से पकने दें। इसे अच्छे से पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक की पेस्ट और इसे अच्छे से मिलाएंगे और पकने देंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे अच्छे से पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर कोरिएंडर पाउडर। फिर हम डालेंगे गरम मसाला। फिर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारी ग्रेवी ठीक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और हम इसे लीड के साथ कवर कर देंगे कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए और इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हमारी ग्रेवी ने ऊपर बटर छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। एकदम थोड़ा सा कसूरी मेथी हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। एकदम कम क्रीम हमें इसमें डालना है, फ्रेश क्रीम। और इसे अच्छे से हमें मिलाना है। अब हम ग्रेवी में डालेंगे पनीर। अच्छे से मिक्स करके लीड के साथ कवर करके हमें इसे 5 मिनट तक पकने दें। अब हमारी डिश रेडी है, पनीर मखनी। सब हम इसे सर्व करेंगे गरम गरम। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। अब हम डिश को गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम एंड कोरिएंडर जूस के साथ। अब आपकी डिश रेडी है पनीर मखनी। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।